तो चलिए, रोटी हमारे पास बच गई थी तो मम्मी ने बना दी आज ऐसी शानदार रेसिपी जो डोमिनोज को भी पीछे छोड़ देगा। ट्रस्ट मी, बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी ये खाने में। तो स्टार्ट करें मॉम? यस, बताइए। ये लेफ्ट ओवर रोटी लिए, अब इसकी हम ये ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने बटर लिया है, उसको मेल्ट कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सी ये चिली फ्लेक्स है वो डाल रही हूँ, थोड़ा गार्लिक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स है वो डाल रही हूँ, और धनिया पत्ता ये डाल दिया। तो देखिए ये फिलिंग है, मैं बता रही हूँ आपको, जो मम्मी मुझे बना के उन्होंने खिलाई थी तो मैं लगातार 3 खा गई थी ऐसी बची हुई रोटियां। इतनी टेस्टी लगती है ना, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट आप देख लिया मेरा, वैसे सॉल्टेड बटर ही है, इसलिए कम ही डाला है मैंने। आप सभी का स्वागत है जायके का तड़का में। हम आए विद माय लवली मॉम विजय अधिया जी के साथ। मम्मी की ये शानदार रेसिपी उनकी स्माइल के साथ, ट्रस्ट मी, बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसमें ये लगा लेती हूँ, देखिए अब ये मम्मी ये स्प्रेड लगा रही है। बहुत सिंपल ये रेसिपी है, घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनती है, सभी को बहुत पसंद आएगी, ये हमारी गारंटी है। और देखिए अब ऊपर भी इसको फोल्ड करके, और जब आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे ना, जो बच्चे जाके बाहर का गार्लिक ब्रेड खाते हैं जिसमें पता नहीं कौन सा बटर यूज होता है, कौन सा ऑयल होता है, ये घर की बनी हुई रेसिपी और वो भी रोटी के संग, मैं बता रही हूँ गपा गप वो खा जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अब मैंने ये तवा रख दिया है गैस पर, इसमें थोड़ा घी डालूंगी, घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं। और देखिए अब ये यहाँ पर मम्मी इसको सेकेंगी दोनों साइड से, इसको एकदम क्रिस्पी और क्रंची आपको बनाना है, तो आपको एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनाना है और बहुत जल्दी बनती है। और मम्मी ये आइडिया आपको कैसे आया था? कुछ नहीं, लेफ्ट ओवर रोटी रहेगी, मैंने कहा क्या बनाऊं इसका, तो बटर और ये रखे हुए गार्लिक, मैंने कहा बटर गार्लिक चपाती बना देती हूँ आज। हाँ, बटर गार्लिक की ब्रेड बनाते हैं, तो मैंने चपाती बना दी, तो बना के देगी, अच्छी लगी, टेस्टी लगी सभी को। हाँ, तो मम्मी ने देखिए ट्राई करी, मैं आपको बता देती हूँ, आज हमारे घर में डोसा बैटर भी था, हमारे घर में सोचते थे पोहा बनाए, उपमा बनाए, मम्मी ने देखे रात की रोटी बच गई है 3 रोटी, तो उन्होंने बना दी। देखिए अब इसको पलट के वो प्रेस करिए, तो उन्होंने आके देखा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मम्मी ने ये शानदार रेसिपी बना के लाएंगी। मम्मी बना के लाई, मैंने कहा ये क्या है, मम्मी ने कहा खा के देखो, और ये मैं 3 रोटियां खा गई आज सुबह नाश्ते में, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी टेस्टी लगेगी बच्चों को। और ये देखिए ये शानदार रेसिपी, अब देखिए ये रेडी हो रही है यहाँ पर। ये रेसिपी में सिर्फ रोटी चाहिए आपको और बटर और गार्लिक और धनिया, रोटी बचती रहती है अपने घरों में डेली, बच जाती है, उनको फेंका भी नहीं है, तो आप ऐसे मॉडिफाई करके चेंज करके आप नई नई डिशेस बना सकते हैं। हाँ, अच्छा भी लगेगा, काम में भी आएंगे आपके, काम में भी आएंगी, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। क्रिस्पी हो गई है, देखिए गार्लिक ब्रेड हमारी यहाँ पर रेडी है, घर की बनी हुई गार्लिक ब्रेड रोटी से, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। ZKT के बारे में, मैं वास्तव में आपके व्यंजनों से प्रेरित हूँ, जब से लॉकडाउन शुरुआत हुआ है मैं ZKT की सभी रेसिपीज को ठीक से फॉलो कर रही हूँ, व्यंजन बहुत ही अच्छे हैं। किशोर होने के नाते मैंने ZKT की माताओं से बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू सुष्मिता जी। इतनी जल्दी बनती है, जो भी जब भी रोटी बच जाए ना तो आप ऐसे बना दीजिए। और देखिए अब आप बताइए, डोमिनोज को भी पीछे छोड़ दिया ना ये यहाँ पर, ये शानदार रेसिपी अब रेडी है। मम्मी बहुत ही बढ़िया लग रही है, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, मम्मी को यहाँ मोटिवेट करिए ताकि वो रोज नई नई रेसिपी आपके संग लाते रहे। देखते रहिए जायका का तड़का, बाय बाय एवरीवन।